हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे। मेरी पिछले वीडियो में बहुत सारी कमेंट आई हुई है कि ऐसा उपाय बताइए जिसमें कि हम बिना किसी डॉक्टर से मिले या बिना किसी की दवाई का हम स्वस्थ रह सकें। तो आजकल के हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी में कभी भी एक पल का आराम नहीं है। हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, हमेशा बिजनेस के पीछे भागते रहते हैं। वो जरूरी भी है, लेकिन इसके एवज में हमारे बॉडी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होने लगता है। बिजनेस में लॉस हो गया, जैसे लॉस हो गया किसी को तो उसे टेंशन, उसे मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगता है। कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो बैठे 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 उसको पेट का प्रॉब्लम होने लगा, उसको किडनी स्टोन होने लगा, उसका बॉडी का फैट बढ़ने लगा। तो बहुत सारे कंडीशन बॉडी में डेवलप करता है। कब? जब हम सिडेंटरी लाइफ में आते हैं। सिडेंटरी लाइफ का मतलब होता है आरामदायक जिंदगी, भोग विलास वाला जिंदगी। तो वैसे जिंदगी में बीमारी आती है, क्योंकि कहा गया कि भोग से रोग होता है। आप इतना भोग विलास में रहेंगे उतना ही रोग आपको होते रहेगा। इसलिए हमेशा आप खुले में टहलें, खुले में रनिंग करें, खुले में एक्सरसाइज करें। इतना हम नेचुरल रहें, प्राकृतिक रहें, हमारा बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। मॉर्निंग में उठने के जस्ट बाद हमें अपने आंखों पर गरम गरम हाथ को रगड़ना चाहिए, और ये पूरे हाथ जब गरम हो जाए तो आपकी आंखों खोल करके और उसके ऊपर में ये गरम गरम हाथ रखना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरे आंख का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। और जब हाथ आप रनिंग रगड़ेंगे पूरा तो इससे फ्रिक्शन होगा तो आपकी नींद भी जल्दी टूट जाएगी। सवेरे उठने के जस्ट बाद आप गर्म पानी पिए नींबू डाल के, इसका फैट होगा, उसका भी लॉस होगा। उसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में अपना टॉयलेट के लिए जाएं, उसके बाद ब्रश करके, उसके बाद स्नान कर लें, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद अगर आपके पास कुछ किताबें हैं तो किताब का स्टडी करें, स्टूडेंट लाइफ में है तब। अदरवाइज आप अगर बिजनेस पर्पज से हैं तो अपना कोई बिजनेस का पॉइंट कोई देख लीजिए अपना। और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी नाश्ता करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा और फाइबर की मात्रा सेम हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप 8 से 10 बजे, जो भी आपका काम हो, कॉलेज जाना हो या कहीं ऑफिस जाना हो, वहां जाएं। लंच में आपको रोटी, सब्जी और थोड़ी सी चावल लेना जरूरी होता है। उसमें दाल भी मिला हुआ होना चाहिए, दही रहे तो और अच्छी बात है। सलाद भी जरूरी है खाने के साथ में। शाम में कोई स्नैक्स, भुजा वगैरह हो गया, ये लेना जरूरी होता है पेट की सफाई के लिए। और पानी हमेशा पीते रहें, बरकरार रहे। नाइट में रोटी, सब्जी, दूध ये लेकर के उसके बाद में आराम से टहलते बुलते हुए उसके बाद में आप सो जाएं। अगर आप नहीं टहलते हैं तो वो खाना एक ही जगह पर स्टेबल रहे, खाना का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए रात में टहलना चाहिए। खाना खाते वक्त में कभी पानी ना पिए। इससे क्या होता है कि पाचन क्रिया आपकी स्लो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी स्लो हो जाती है। और क्या है, खाना खाते वक्त बहुत लोग का टीवी या मोबाइल देख के खाने की आदत होती है, उससे भी आपका माइंड पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं तो उस समय आपका बॉडी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम रिलीज होता है, जैसे लार निकलना, गैस्ट्रिक जूस निकलना, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो ये सारा क्या एंजाइम है जो हमारा पेट से, हमारा लार से निकलते रहता है, जो ध्यान यानी कंसंट्रेशन बिगड़ने से उसका लॉस हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती है। जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसीलिए खाना खाते वक्त में कभी भी मोबाइल या फिर टीवी वगैरह ना देखें। एक सेब को या एक फल को आप रोज अपने भोजन में शामिल करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो पाचन क्रिया वो फास्ट होती है। खाने में दूध का प्रयोग करें, गाजर का, सलाद का, टमाटर का, नींबू का, ये सब का प्रयोग होना जरूरी है। खीरा, ककड़ी, ये सब बहुत जरूरी है खाने के लिए, आपके बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। और सीजनल फ्रूट्स जरूरी है। कभी भी आपको डॉक्टर से बचना अगर है, दवा से बचना है, तो 3 बातों को बेसिक उसे ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर, अर्ली मॉर्निंग जगना। दूसरा नंबर, प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करना, 20 मिनट मिनिमम। और तीसरा नंबर, टाइम टू टाइम भोजन लेना और पानी लेना। इस तीन प्रोसेस को अपना करके आप डॉक्टर से जाने से बच सकते हैं। कभी भी आप फैट, चीनी वाला सब सांस खाते हैं, मैदा वाला खाना खाते हैं, तो आप खा के तुरंत सोए नहीं,
जहां तहां वॉकिंग कर ले, घूम बोल ले, चीनी खाते हैं पसीना निकल जाएगा तो आपका चीनी का प्रभाव घट जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब मस्त है, नहीं तो सब अस्त व्यस्त है। ठीक है, इसलिए स्वस्थ रहना चाहिए आदमी को। इसके लिए आपको बहुत तरह का टेक्निक को अपनाना पड़ता है जिससे आप स्वस्थ रह सकें। आज मैंने मन की बातों को डिस्कस किया है और इतना प्रोसेस करना चाहिए, उसके बाद में आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे। आपको कोई भी कहीं भी मेडिसिन या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद।